है विनय अग्रवाल। मैं रिसेलिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या क्या इसमें मेजर प्रॉब्लम्स आती है और क्या 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 इसमें समस्याएं आती है, प्लीज़ इसके बारे में बताइए। ठीक है विनय जी, आप रिसेलिंग कर सकते हो आराम से। रिसेलिंग का मेरे को भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसमें जो समस्याएं आती है या जो चैलेंजेस रहते हैं वो मैं कुछ बताना चाहूँगा। रिसेलिंग बिजनेस, जैसा कि मैंने बताया इसी वीडियो में कि रिसेलिंग बिजनेस क्या होता है, ठीक है, डायरेक्ट कस्टमर के ऑर्डर को डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर उसको देना या रिटेलर जो भी उसको देना और वहाँ से उसके पास माल पहुँच जाए, ये रिसेलिंग बिजनेस होता है एक तरह से। ठीक है, अभी क्या होता है इसमें समस्या कहाँ आती है, अगर आप करना चाहते, एक तो आप मीशो के थ्रू करना चाहो, ठीक है, या और भी जो प्लेटफॉर्म उनके थ्रू करना चाहो, लेकिन एंड में बात कहाँ आके रुकती है वो होती है कि आप बेचोगे किसको माल, माल किसको बेचोगे, कितने लोग हैं खरीदने वाले आपके पास। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है डेटाबेस। डेटा इज ऑक्सीजन इन दिस डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड, सेड बाय मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने कहा था अभी 2-3 साल पहले, एक टीवी पर इंटरव्यू आ रहा था कि डेटा इज ऑक्सीजन, ये डिजिटलाइज वर्ल्ड है, यहाँ बिजनेस करना है इस दुनिया में तो डेटा ही आपका ऑक्सीजन है। तो डेटाबेस कितना बड़ा है, क्योंकि ये इसमें लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। ठीक है, आप तो 10% का हिसाब मान के चलो, 100 लोग हैं आपके पास, तो 100 में से को आप भेजोगे, अपना प्रोडक्ट भेजोगे, अपडेट्स भेजोगे, डिटेल्स भेजोगे, तो 10 लोग उसमें से ऑर्डर देने वाले मिलेंगे। इसी तरह आपके पास 1,000 लोग होंगे, मतलब 1,000 लोगों का आपके पास कस्टमर डेटाबेस है, ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपने उन सबको भेजा, तो उसमें से फिर 100 लोग ऐसे होंगे जो आपका ऑर्डर देना पसंद करेंगे। इसी तरह आपके पास अगर 10,000 लोग होंगे तो आपके पास 1,000 ऑर्डर रहेंगे, चांसेस रहेंगे, संभावनाएं रहेंगी। तो इस तरह से जितना बड़ा डेटाबेस होगा उतने आपके ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल होगे। तो अब बात आती है कि डेटाबेस कहाँ से लाएं, तो एक तो मेजर चैलेंज ये है। अब डेटाबेस कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, कहाँ से गैदर किया जाता है, मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, आप इसमें मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियोज़ है इंस्टाग्राम से किस तरह से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने बताई हुई है, आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो डेटाबेस कहाँ से लाया जाए, अच्छा, और दूसरी जो बड़ी दिक्कत आती है वो होती है कि मान लीजिए आपने, ठीक है, ऑर्डर डिस्पैच करना शुरू किया, किसी टी शर्ट का ऑर्डर आया, ठीक है, भोपाल से ऑर्डर आया, आपने रिसेलिंग कर रहे हो, आपने सामने वाली पार्टी को बोला जो होलसेलर है या रिसेलर रिटेलर है उसको बोला कि ठीक है इसको आप डिस्पैच करवा दो, वहाँ पर डिस्पैच चला गया। सिंस आप लोग तो क्वालिटी चेक कर नहीं रहे यहाँ पर, क्योंकि आपके हाथ में तो आया नहीं ना, उसी ने भेजा, तो वो लोग टाइम की कमी की वजह से या ठीक है लापरवाही की वजह से उन्होंने भेज दिया और वो डिफेक्टिव निकला। अब क्या होता है भैया, कस्टमर बोलेगा भैया मेरे पास तो फटा हुआ है, डिफेक्टिव है, मिसप्रिंट है, जो भी है, साइज़ मिसमैच है, दिक्कत आ रही है, मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। वो रिटर्न वाला लफड़ा ऐसा होता है, वो खाता है सबको, वो परेशान करता है, वो झिलाता है। इसमें क्या होगा, रिटर्न में दिक्कत बताऊँ कहाँ आएगी, रिटर्न करने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसने वापस भेज दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया और अपन ने पैसे वापस दे दिए। दिक्कत आती है, मैं एज अ रीसेलर एक प्रोडक्ट पे कितना रुपया कमाता हूँगा, 100 या 50, ठीक है, अगर मैं बड़ा रीसेलर हूँ, ज़्यादा ऑर्डर लेना चाहता हूँ या ले रहा हूँ, तो एक एक ऑर्डर पे 100 या 50 100 रुपये कमा रहा हूँ मान लीजिए, कई बार 50 ही कमा रहा हूँ, कई बार 70-80, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए एवरेज लेके चल रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ। अब डिफेक्टिव आया तो बंदे ने वापस उसको डिस्पैच किया, तो कुरियर चार्ज, हु विल बियर द कुरियर चार्ज, तो वो कुरियर चार्ज, वो लड़ाई होती है, असली लड़ाई, असली माथापोड़ी यही है कि हु विल बियर दैट कुरियर चार्ज। आप रिटर्न कर दोगे ले लेंगे, लेकिन वो भेज, कस्टमर बोलेगा कि जब मैं प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा तो ये जो वापस भेजने का कुरियर चार्ज लग रहा है 70-80-100 रुपया, वो मैं क्यों बियर करूँ। और इधर हम लोग, मैं मान लो, या मतलब मैं एज ए रिसेलर बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं या जो बंदा है अपना होलसेलर है, वो बोलेगा यार मैंने तो भेज दिया एक बार पहले, जब भेजा वही मेरा कुरियर चार्ज लग गया, अब वापस तुम भेजोगे तो वो कुरियर चार्ज मैं के। तो ये सबसे मेजर लड़ाई होती है, ये मेजर चैलेंज होता है। इसमें या तो आप, अब इसमें फिर दो ही चीज़ें होगी, या तो आप कस्टमर को मना कर दो, नहीं भैया रखना तो रखो और हम कुरियर चार्ज बियर नहीं करेंगे, रखो चाहे वापस भेजो हम, तो इसमें या तो फिर आपका कस्टमर हमेशा के लिए टूट जाएगा, रिलेशन ख़राब हो गया। दूसरी चीज़ आप बोलोगे कि ठीक है यार रिलेशन बना के रखना है यार, ठीक है यार भैया आप भेज दो मैं बियर कर लूँगा जो भी लगूंगा, तो भैया अगर ऐसे आप बियर करने लग गए कुरियर चार्जेस, कितने लोग रिटर्न करेंगे, तो कितने का कर लोगे, क्या कमाई करी आपने और कितना लॉस खा लिया, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो ये बहुत ही डिलेमा होता है, एक धर्म संकट होता है कि क्या किया जाए सिचुएशन में। तो ठीक है, सब लोग अपने अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, कई लोगों को पैसा प्यारा होता है कि ठीक है यार मेरे को मतलब नहीं है यार, मैं वैसे ही इतना नहीं कमा पा रहा हूँ, तो वो लोग ठीक है हम बियर नहीं करेंगे, तो वो कस्टमर ख़राब हो गया तो कस्टमर गया काम से। और कई लोगों को ठीक है यार
उसकी बढ़िया कमाई हो रही है उसको, ठीक है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है यार भैया भिजवा दो, आप वापस रिटर्न कर दो, मैं कुरियर चार्ज बियर कर लूँगा। तो ये एक तरीका होता है या एक ये चीज़ होती है या प्रोसेस होती है। तो रीसेलिंग बिजनेस में ये समस्याएं या चैलेंजेस आते हैं।